हनुमते नमः श्री रामाय नमः। ओम नमो नृसिंहाय नमः। हनुमान जी महाराज के बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं, तंत्र हैं, स्त्रोत हैं, पाठ हैं, चालीसा है, बजरंग बाण है, इत्यादि इत्यादि बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन जब व्यक्ति अनायास परेशान हो जाता है बाधाओं के कारण, क्योंकि कलयुग में बाधाएं होना एक नॉर्मल बात है, हम इधर उधर जाते हैं तो मसान जैसी बाधाएं, डाकनी साकनी जैसी बाधाएं, ब्रह्म राक्षस जैसी बाधाएं, प्रेत वैताल जैसी बाधाएं कभी कभी हमारे पीछे आ जाती हैं। हम शंका में जीते रहते हैं, किसी ने हमारे ऊपर कोई बाधा चला दी है, बशर्ते वह हमारे पीछे आई हुई बाधा होती है। क्योंकि कई बार रास्ते में चलते हुए हम ऐसी जगह खड़े हो जाते जहाँ से उस बाधा को हमारा शरीर, हमारा पहनावा या बहुत सारी चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं उससे उनको सम्मोहन हो जाता है और वो हमारे पीछे पीछे हमारे घर में आ जाते हैं, हमारे घर में डेरा डाल देते हैं। और लंबे समय तक हम इन बाधाओं का इलाज कराते हैं, तरह तरह के तंत्रकाट कराते हैं। कई बाधाएँ ऐसी होती हैं उनका तंत्रकाट आसानी से होता नहीं है। तो हनुमान जी महाराज के कुछ ऐसे मंत्र हैं, कुछ ऐसे प्रयोग हैं जिनसे किसी भी प्रकार की तंत्र बाधा का काट किया जा सकता है। और हम आपको बता दें कि हनुमान जी महाराज के कलेश्वर इकलौते देव हैं जो कलयुग में प्रत्यक्ष रूप से हमारी सहाय करते हैं। बस हमारे मन में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए और सही प्रयोग भी होनी चाहिए। बजरंग बाण पढ़ने से कई लोगों की शिकायत रहती है कि हम सालों से बजरंग बाण पढ़ते हुए आ रहे हैं लेकिन हमारी समस्याओं का निदान नहीं हुआ। तो हम आपको बता दें, बजरंग बाण तो कोई भी पढ़ सकता है, महिला हो चाहे पुरुष हो, कोई भी इसको पढ़ सकता है। लेकिन जब यहाँ तक तंत्रकाट की बात आती है, जैसे हमारे यहाँ बहुत सारी समस्याएं होती हैं, तंत्रकाट की दिक्कत होती है, तो तंत्र की दिक्कत होती है तो ऐसे में बजरंग बाण का जो सही प्रयोग है उसे सिद्ध करके ही प्रयोग करना चाहिए। तो एक बार में ही सभी प्रकार की बाधाओं का नाशन हो जाता है। और कलयुग में तो बजरंग बाण से अच्छा अस्त्र कोई है ही नहीं है। बजरंग बाण है जरूर, तुलसीदास जी का रचा हुआ, लेकिन वह एक अस्त्र की तरह कार्य करता है। बस उसको सही तरीके से सिद्ध कर लीजिए। और जिसको सिद्ध करना नहीं आता तो हम पिछला वीडियो डाल चुके होंगे तो उसमें देख लीजिएगा बजरंग बाण को कैसे सिद्ध किया जाता है। क्योंकि नॉर्मल पढ़ना एक अलग बात होती है और सिद्ध करके जब पढ़ना तो वह पक्का एक बाण की तरह ही कार्य करता है और सीधे सभी प्रकार की विद्याओं का छेदन कर देता है। चाहे मरण हो, मूक हो, वशीकरण हो, किसी भी प्रकार का तंत्र हमारे ऊपर किया गया हो या हमारे घर में अन्य कोई बाधा हो, ग्रह दोष हो, कोई भी समस्या हो, सभी प्रकार की बाधाओं का छेदन हनुमान बाण कर देता है। बस उसे सिद्ध सही तरीके से करिए और उसका प्रयोग करिए, फायदा आपको अवश्य देखने को मिलेगा। उसी श्रेणी में आज एक हम विभीषण जी द्वारा रचित एक स्त्रोत के बारे में बता रहे हैं। वैसे स्त्रोत का मंत्र ज्यादा है और इस स्त्रोत को देवताओं ने जब स्तुति की थी, इंद्रादि देवताओं ने, उसके बाद हनुमान जी की स्तुति विभीषण जी ने भी की थी और इसकी रचना भी की थी। और विभीषण जी के बारे में तो सभी परिचित ही होंगे, रावण के भाई थे और रावण तंत्र विज्ञानी थे, बहुत बड़े मायावी थे, तंत्र मंत्र के ज्ञाता थे। तो उनके भाई में भी वो गुण विद्यमान था, तो उन्हीं ने इस स्त्रोत की या इस मंत्र की रचना की है। और इस मंत्र का ऐसा प्रमाण मिलता है कि जो व्यक्ति इसको सिद्ध करके प्रयोग कर दे तो किसी भी प्रकार की बाधा का बचना नामुमकिन है। क्योंकि कलयुग में हनुमान जी महाराज को जैसे चिरंजीव होने का वरदान था, उसी प्रकार विभीषण जी को भी चिरंजीव होने का वरदान हनुमान जी महाराज ने दिया था और कलयुग के अंत तक रहने का भी वरदान मिला था। और आज भी सशरीर विभीषण जी कहीं ना कहीं हैं और हनुमान जी महाराज की, उसी राम जी महाराज की सेवा तो कर ही रहे हैं, जप कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। क्योंकि अब रावण राज तो रहा नहीं तो स्वाभाविक है विभीषण जी करेंगे क्या, क्योंकि उनको चिरंजीव होने का वरदान है तो उन्हें जीना तो लंबे समय तक है ही। तो उसी प्रकार उनको भी यह वरदान प्राप्त था और इसी स्तुति को पढ़ने से हनुमान जी महाराज ने प्रसन्न होकर उन्हें ये वरदान दिया था, ऐसा किसी शास्त्र में हमने पढ़ा है। तो इस स्त्रोत को श्री हनुमान बाण वानर स्त्रोत कहते हैं और इसे स्त्रोत का मंत्र ज्यादा माना जाता है क्योंकि यह सभी प्रकार की विद्याओं का छेदन कर देता है, सभी प्रकार की मायाओं का भेदन कर देता है, सभी प्रकार के प्रेतों को नष्ट कर देता है। बशर्ते आप इसे सही ढंग से जप कर पढ़ें, सही ढंग से इसको सिद्ध करें। वैसे इसे सिद्ध करने का विधान बहुत ही आसान है, तो पहले हम सिद्ध करने का विधान जान लेते हैं। स्त्रोत तो सभी लोग पढ़ते हैं, पुस्तकें मिल जाती हैं, तो आप भी इसे पुस्तक से देख के पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस सिद्ध विधि समझ लीजिए तो आप समझ जाएंगे, क्योंकि बाणवाना स्त्रोत कई लोग पढ़ते होंगे भूत प्रेत बाधाओं का हरण करने के लिए
और कई बार उनको लगता है कि यह स्रोत काम नहीं करता, तो हम आपको बता दें इस स्रोत में इतनी शक्ति है कि सारे अस्त्र फैल हैं इस स्रोत के सामने। जब कहीं शरण ना मिले, कहीं उपाय ना मिले, तो बाणवानल स्रोत और हनुमान जी का बजरंग बाण दो ऐसी शक्तियां हैं कि हनुमान जी महाराज को मजबूर होकर हमारी बाधाओं का नाशन करना पड़ता है। तो आप इस बात को एकदम लिख के रख लीजिए कि इन स्रोतों से और इस बाण से बस इसको पसरते सिद्ध कर लीजिए, तो यह तीव्र गति से कार्य करता है। क्या है कि सफलता जब हमको पाना होता है तो थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ती है, आसानी से सफलता नहीं मिलती, और जहाँ तक कष्टों वाली सफलता हुई तो उसमें मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो इस मंत्र को या इस स्रोत को आप सिद्ध कर लीजिए। सिद्ध करने की विधि साधारण है, आप हनुमान जी महाराज के मंदिर में मंगलवार के दिन जाइए, गुड़ और चने की दाल भिंगाकर उसका बढ़िया प्रसाद में खाइए, लगाइए चौमुखा एक दीपक जलाइए, पीपल के पत्तों में श्री राम राम लिखकर 11 पत्तों में हनुमान जी महाराज को अर्पण करिए, और कोशिश करें कि ये शिव मंत्र का या इस स्रोत का आप मंदिर में पहले 108 बार जाप कर लें, और इसके बाद घर में आकर सिर्फ इसका 11 बार यदि आप पाठ करते हैं और अपनी बाधाओं का दिमाग में स्मरण करते हैं, तो स्मरण मात्र से ही सभी प्रकार की बाधाएं नष्ट हो जाती हैं, ऐसा इसके प्रमाण देखने को मिलते हैं। और जिन जिन ने इसका प्रयोग किया है सिद्ध करने के बाद, तो उनको तो ऐसे ऐसे प्रमाण मिले हैं कि उनको साक्षात एहसास हुआ है बजरंग बली हमारे बाजू में खड़े होकर हमारी सुरक्षा कर रहे हैं, हमारी बाधाओं का हरण कर रहे हैं। सिद्ध करने के बाद की स्थिति हम बता रहे हैं, तो कोशिश करिए कि इस मंत्र को सिद्ध कर लीजिएगा। शुद्धि के लिए आप इसकी पुस्तक खरीद लीजिएगा, नहीं इंटरनेट पर सर्च कर लीजिएगा और शुद्ध पढ़िएगा, क्योंकि हमारे शब्दों में लटपटाहट कभी कभी हो जाती है या शास्त्री जी के शब्दों में लटपटाहट हो जाती है, तो शुद्ध सुर अशुद्ध निकल जाता है। तो देख लिया करिए, शुद्ध पढ़ा करिए, सुनने में कम जाया करिए, उस पर रिसर्च किया करिए। जरूरी नहीं है कि इसी मंत्र को भर सारे मंत्र जो हमने आज तक डाले हैं उनको देखकर इंटरनेट पे पुस्तकों में सर्च करके उनका शुद्धिकरण कर लिया करिए। वैसे कोशिश करते हैं कि मंत्र शुद्धि ही पढ़ा जाए। इसके बाद आपने 108 बार जब इस मंत्र का आपने जापन कर लिया मंदिर के अंदर, तो घर के अंदर आइए, बढ़िया एक तांबे के लोटा में जल भरिए, थोड़ा सा उसमें गंगा जल डालिए और एक पीपल का पत्ता डाल दीजिए, थोड़ा सा बरगद का पत्ता या बरगद की जड़ भी उस जल के अंदर डाल सकते हैं, एक कमल गटा डाल दीजिए और फिर बाणवानल स्रोत को पढ़ना शुरू करिए। वैसे इसका जिन लोगों ने प्रयोग किया है तो उन लोगों का मानना है कि 11 बार में कार्य हो जाता है, लेकिन शास्त्र विधि के अनुसार इसका 21 बार पढ़ने का विधान है। तो 21 बार पढ़ते हुए उस जल में हनुमान जी की स्मृति का ध्यान करते हुए बढ़िया उस जल के अंदर फूंक मार दीजिए, ठीक है। और हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करिए कि इस जल में इतनी शक्ति दें कि हमारे घर में व्याप्त समस्त प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, समस्त प्रकार के भूत दोष या प्रेत दोष, समस्त प्रकार की माया का छेदन हो जाए और तत्काल ही सारी समस्याएं हमारी नष्ट हो जाए। ऐसी प्रार्थना करते हुए उस जल में भगवान जी का स्मरण करिए और बढ़िया जल को हाथ में लीजिए, माथे से लगाइए, उस लोटे को एक बार दो बार या जितने बार आप इस स्रोत का पाठ कर रहे हैं, मंत्र का पाठ कर रहे हैं, बढ़िया से फूंक मारिए और बढ़िया हनुमान जी महाराज को दिखाइए। इसके बाद इस मंत्र से आप कोशिश करें कि 5 से 6 बार हवन भी लगा दें आप अपने हिसाब से, साधारण पूजा, क्योंकि विशेष पूजा स्रोत में नहीं होती। इसे स्रोत है लेकिन हम इसे मंत्र की तरह लेते हैं, क्योंकि यह मंत्र की तरह कार्य करता है, तो इसे हम मंत्र की तरह लेते हैं, ठीक है। और बढ़िया हनुमान जी से जो भी आपकी श्रद्धा हो, जैसी भी बने, प्रसाद प्रसाद चढ़ा के बढ़िया हनुमान जी की पूजा करने के बाद उस जल को पूरे घर में छिड़कना शुरू करिए और एक जगह पूरे परिवार को बिठाकर उनके ऊपर जड़ियां जल छिड़किए, थोड़ा थोड़ा उनको जल का पान कराइए, और ऐसा करने से सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं नष्ट हो जाती हैं। अब हम आपको बता दें कि इस स्रोत से और भी बहुत कुछ होता है, जैसे घर में दरिद्रता हो, लक्ष्मी की कमी हो, ग्रह दोष हो, क्योंकि ग्रह दोष भी एक प्रकार का हमारे लिए नुकसानदायक साबित होता है। तो सभी चीज़ें इस स्रोत के पाठ करने से, जल के छिड़काव से, घर में पड़ने वाली बुरी दृष्टियां सब समाप्त हो जाती हैं और शत्रुओं का भय भी धीरे धीरे खत्म हो जाता है। यदि निरंतर इस स्रोत का एक भी बार दिन में पाठन करते हैं तो शत्रुओं का मन जो है परिवर्तन हो जाता है, वह हमें नुकसान पहुँचाने के बारे में
सूचना बंद कर देते हैं। ऐसे भी इस स्त्रोत के प्रमाण मिलते हैं, लेकिन भूत प्रेत बाधाओं के लिए तो अचूक है। जिसने भी यह प्रयोग किया है और हमने भी इसका प्रयोग कई लोगों के ऊपर किया है, तो हमें असफलता बिल्कुल हाथ नहीं लगी। सत्य इसको 108 बार मंदिर में बैठ के पढ़ लीजिएगा, उसके बाद कोशिश करिएगा 21 बार हवन भी कर दें, घर में आके बढ़िया 11 से 21 बार जल में इसको बढ़िया फूंक मारिएगा, पीपल की जड़ और बरगद की जड़ या पत्ते डालकर कमलगटा भी डालकर पूरे घर में छिड़काव कर दीजिएगा आप। और इसके बाद विश्वास करिएगा, श्रद्धा रखिएगा कि हमारी भूत प्रेत बाधाएं सब नष्ट हो गई हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, भूत प्रेतों के जो आने का रास्ता होता है, हम स्वयं भी खोल देते हैं, बार बार हम उनको याद करते हैं, थोड़ी सी घुटना दर्द किया, सिर दर्द किया, हम सोचने लगते हैं कि बस भूत आ गया, भूत आ गया, तो भूत आने का रास्ता इसी तरह खुल जाता है। आप उस समय भगवान का स्मरण करिए, भगवान का हमने वाणवानल स्त्रोत यानी सबसे खतरनाक स्त्रोत और सबसे खतरनाक तंत्र विज्ञानी का रचा हुआ स्त्रोत हमने पढ़ा है, इसमें इतनी शक्ति है कि भूत प्रेत आ ही नहीं सकते। हनुमान जी महाराज हमारे घर में विराजमान है, हमारे बाजू में है, रक्षा कर रहे हैं, तो हनुमान जी महाराज का रास्ता हमेशा के लिए आपके घर में खुला रहेगा और हमेशा रक्षा होती रहेगी। तो इस स्त्रोत को पढ़ने के बाद भूतों का या बुरी शक्तियों का स्मरण बिल्कुल दिमाग से निकाल दिया करिए। हाँ, छोटी मोटी परेशानियाँ देखिए होती हैं, दवाई अवाई करवाया करिए, क्योंकि पाठ करने के बाद भूत प्रेत तो नहीं रह जाते, ये तो 100% श्योर है। हाँ, लेकिन थोड़ी बहुत परेशानियाँ देखो, कलयुगी प्राणी हैं, उल्टा सीधा खाते हैं, ढेर सारी बीमारियाँ हैं, सैकड़ों प्रकार की लगी ही रहती हैं, तो आप बीमारियों के चलते आप भगवान को दोष ना दिया करिए कि भूत प्रेत फिर से आ गए। क्योंकि अब हर चीज़ में भगवान को दोष देना उचित नहीं है, क्योंकि आजकल का वातावरण कुछ ऐसा है कि हम खुद बीमारियां अपने आप में स्वयं पैदा करते हैं, रात भर एक चीज़ के बारे में सोचते हैं, मानसिक बीमारी होती है, सिर दर्द की बीमारी होती है, उल्टा सीधा खाते हैं, शरीर में मुझे ढेर सारी समस्याएँ होती हैं। तो इन सब चीज़ों को छोड़िए, भगवान का स्मरण करिए और भगवान पर विश्वास करिए, समस्याओं का निदान अवश्य हो जाएगा। लीजिए शास्त्री जी से बाडवाल स्त्रोत का एक बार पाठ है, सुन लीजिए और आप इस पाठ को ढूंढकर जरूर पढ़िएगा और जरूर सिद्ध करिएगा, अवश्य लाभ होगा। और भूत प्रेत संबंधी समस्या है, मरण मूड वसीकरण संबंधी समस्या है, तो 100% है कि उनका काट हो जाता है। क्योंकि ये पूरा स्त्रोत है, हमने सिर्फ इससे एक मंत्र बाहर निकाल के और तंत्र काट के लिए प्रयोग किया, कम से कम 100 लोगों के ऊपर, और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसका तंत्र काट हुआ ना हो, सबका तंत्र काट हुआ, बाद में हमने उनको कवच धारण कराया। आज भी मान लो साल दो साल हो गए होंगे, उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी है नहीं उनके जीवन में। तो हमारा स्वयं का परीक्षण है, आप भी परीक्षण करिए, हनुमान जी महाराज पर विश्वास करते हुए आपका कार्य अवश्य ही पूर्ण होगा। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। लीजिए शास्त्री जी से स्त्रोत सुन लीजिए और स्त्रोत जब पढ़िए तो पुस्तक जरूर ले लीजिएगा या इसका लेखन प्रिंट करा लीजिएगा इंटरनेट से लेकर, तो अति उत्तम रहेगा। और कहीं शब्द में कहीं मिस्टेक हो रही हो तो किसी शास्त्री से उसका स्वर उच्चारण करवा लीजिएगा। वैसे बहुत आसान शब्द हैं, अब हम लोगों की जीभ लटपटा जाती है कई बार, क्योंकि दिन भर बोलना होता है, तो अपने मन में तो हम सही पढ़ लेते हैं लेकिन मुँह से शब्द थोड़ा सा अटपटा निकल जाता है, उसके लिए बिल्कुल क्षमा चाहेंगे। ठीक है, लीजिए श्रवण करिए। जय श्री राम। किसी भी सवाल के लिए टेलीग्राम पर आप कमेंट कर सकते हैं और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिख सकते हैं, और वीडियो के कमेंट में भी कमेंट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में तो हम लिखेंगे। ओम श्री हनुमान वटवानल स्तोत्र अथ विनियोग। ओम अस्य श्री हनुमान वटवानल स्तोत्र मंत्रस्य श्री रामचंद्र ऋषि श्री हनुमान वटवानल देवता राम बीजम हीम शक्ति ही सौम कीलकम मम समस्त विघ्न दोष निवारणार्थे सर्व सत्पुराक्षार्थे सकल राज कुल सम्मोहनार्थे मम समस्त रोग प्रशमनार्थम आयु आरोग्य ऐश्वर्य विद्यर्थम समस्त पापाक्षार्थम श्री सीताराम चंद्र पित्यर्थम च हनुमत वडवानल स्तोत्रम पाठम अहम करिष्ये ध्यानम मनोजवम मा ऋतितुल्यवेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वाताज्मजं वा नरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम ह्रां ह्रीं ओम नमो भगवते
श्री महाहनुमते प्रकट पराक्रम सकल दिगमंडल यशोवितान धवलीकृत जगत त्रियत वज्रदेह रुद्रावतार लंकापुरी दह उमा अर्गल मंत्र उदरी कंधन दुशिर कृतांतक सीता श्वासन वायुपुत्रो अंजनी गर्भ संभूत श्रीराम लक्ष्मण नंदकर कपिशन्य प्राकार सुग्रीव सहकारण परबोत्पाटन कुमार ब्रह्मचारिण गंभीरनाद सर्व पाप ग्रहवारण सर्व जरोच्चाटन डाकनी शाकनी विध्वंसन ओम ह्रां ह्रीं ओम नमो भगवते महावीर वीराय सर्व दुख निवारणाय ग्रहमंडल सर्वभूतमंडल सर्व पिशाच मंडलोच्चाटन भूतज्वर एकाहिक ज्वर द्वायाहिक ज्वर त्रयाहिक ज्वर चतुर्थिक ज्वर संताप ज्वर विषम ज्वर ताप ज्वर महेश्वर ज्वर वैष्णव ज्वरान छिंदे छिंदे यक्ष ब्रह्मराक्षस भूत प्रेत पिशाचान उच्चाटय उच्चाटय स्वाहा ओम ह्रां ह्रीं ओम नमो भगवते श्री महाहनुमते ओम ह्रां ह्रीं हूं ह्रैं ह्रौं हः आं हां 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 ओम सौं एहि एहि ओम हम 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 ओम नमो भगवते श्री महाहनुमते श्रवण चक्षुर्भूतानां शाकनी डाकनीनां विषम दुष्टानां सर्वविषम हर हर आकाशो भुवनम भेदय भेदय छेदय छेदय मारय मारय शोषय शोषय मोहाय मोहाय ज्वल ज्वल प्रहाराय प्रहाराय सकल मायां भेदय भेदय स्वाहा ओम ह्रां ह्रीं ओम नमो भगवते महाहनुमते सर्वग्रहोच्चाटन परबलां क्षोभय क्षोभय सकल बंधन मोक्षणम कुरुकुरु शिरःशूल गुल्मशूल सर्वशूलाग्नि मूलय निर्मूलय नागपाशांत वासुकी तक्षक कर्कोट कालानी यन यक्षकुल जगत रात्रिंचर दिवचर सर्पाग्नि विषम कुरुकुरु स्वाहा ओम ह्रां ह्रीं ओम नमो भगवते महाहनुमते राजभय चोरभय परमंत्र परयंत्र परतंत्र पर विद्याच्छेदय छेदय सर्व शत्रुनाशय नाशय असाध्यम साधय साधय ओम फट स्वाहा हनुमते नमः ओम हनुमते नमः।